हाय गाइस, दिस इज चंदन एंड वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में डाइस का सेशन 4। तो चलिए डाइस का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच सिंबल विल अपीयर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कि ये हमें तीन डाइस दी हुई है और जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा ये बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम वो डाइस ले लेंगे जिससे हमें कुछ कॉमन मिल रहा हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले डाइस और सेकंड डाइस में कुछ कंपैरिजन देखते हैं, कुछ है कॉमन। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 कॉमन आ गया। तो इसको ले लीजिए, 6 कॉमन आ गया आपका। क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो क्या आएगा, 4 एंड देन 1, और सेकेंड वाली में क्या आएगा, 2 एंड देन 5, ठीक है। तो 4 के अपोजिट का आ गया आपका 2 और 1 के अपोजिट का आ गया आपका 5, ठीक है। चलिए तो क्या क्या आ गया आपका लिख लेते हैं। 4 के अपोजिट आ गया 2 और 1 के अपोजिट तो आ गया आपका 5। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6, 2 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 के अपोजिट तो 4 है और मैंने आपको कहा था कि एक ही सेम डाइस की सेम फेस में वो अपोजिट जो होते हैं सिंबल या फिर नंबर वो नहीं आते। तो इसका मतलब जो 4 है वो तो आएगा नहीं, तो आपका 4 तो कट गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 6। अब ये बताइए 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, बताइए। 6 के अपोजिट होगा आपका 3, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो 6 के अपोजिट 3 भी नहीं आ सकता, तो आपका 3 भी गलत हो गया। अब या तो आपका आएगा 1 या तो आपका आएगा 5। चलिए देखते हैं, अब देखिए इसको रिलेट करें अगर इस वाली डाइस से, तो इसमें क्या हो रहा है, 2, 6 एंड देन 5, मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और अगर इसमें देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। 2 के बाद क्या है, 6, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या आएगा आपका, 5। लेकिन देखिए यहाँ पे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, प्रॉपर वे में तो 2 से स्टार्ट है तो वहीं से देखेंगे ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 6 एंड देन 5, और ये आ रहा है क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या ट्रिक होती है कि आपका जो आ रहा है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में जाके, जैसे अब हम इसमें क्लॉकवाइज ही लेंगे, तो क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या आ रहा है आपका, 6, 2, 5। तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, लेकिन जो दिया उसके अपोजिट लेंगे हमेशा, ये बात याद रखना। जैसे इधर क्लॉकवाइज हो रहा है और इधर वाली डाइस में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो अब रिलेट नहीं हो रहा था, हम उसको क्लॉकवाइज ही लेंगे। क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा आपका, 2, 6, 5 आ रहा है इसमें, लेकिन हम नहीं लेंगे उसको, तो हम उसको रिलेट करके क्या ले लेंगे आपका, 1। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन द क्वेश्चन बिलो विच डाइस कैन नॉट बी मेड बाय टर्निंग द क्वेश्चन शेप। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी डाइस है जो कन्वर्ट होके अगर उसको घुमाए और बनाए तो वो नहीं बन सकती, कौन सी इसमें इनकरेक्ट डाइस है वो हमें पहचाननी चारों में से, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेक्शन बन रहा है उसमें एक गैप छोड़ के जो थर्ड वन होगा वो उसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपके जो ट्रायंगल हो गया उसके अपोजिट क्या आ गया आपका, सर्कल, ठीक है, डॉट आ गया। और जो आपका साइड वाला ये है ये इसके अपोजिट आ गया, तो वी के अपोजिट क्या हो गया आपका, डॉलर, ठीक है। और जो सेकंड वाला है वो आ गया आपके इसके अपोजिट, मीन्स आपका स्क्वायर जो है ये आपका आ गया अपोजिट इसके पेंटागन टाइप इस पोजीशन, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि कौन सा जो इसमें से होगा जो इनकरेक्ट होगा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर जो भी एक दूसरे के अपोजिट हो और वो सेम डाइस के सेम फेसेस में दिखेंगे तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा, वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, एग्जाम में। चलिए चेक करते हैं इसमें क्या है, ये आपका पेंटागन टाइप जो ये है ये किसके अपोजिट है आपके स्क्वायर के, यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है। और डॉलर किसके अपोजिट है, वी के, ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सही है आपका, ठीक है। ये वाला रिलेट कर लेते हैं, जो डॉलर है वो किसके अपोजिट है, वी के, लेकिन यहाँ तो वी नहीं है और आपका जो स्क्वायर है ये आपके पेंटागन टाइप इस इमेज के, तो ये भी नहीं है, तो आपका ये करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, वी कह रहा है आपका किसका अपोजिट है, वी तो डॉलर के अपोजिट है लेकिन यहाँ तो डॉलर दे नहीं रखा। अब हम
डॉट देख लेते हैं किसके अपोजिट है। देखिए देखिए बच्चों, ये जो डॉट आ गया आपका, ये तो ट्रायंगल के ही अपोजिट है और यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यही आपका इनकरेक्ट डाइज है, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी अपोजिट होंगे नंबर या फिर सिंबल और वो सेम डाइज के सेम फेसेस में दिख जाएंगे तो वो आपका गलत हो जाता है। और देखिए डॉट तो आपका अपोजिट है ट्रायंगल के और ये यहाँ पे दिख गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। थर्ड वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दो बंडर होते हैं आंसर, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी स्पीड में चेक कर लीजिएगा एग्जाम में। डॉट के अपोजिट क्या था, ट्रायंगल, ट्रायंगल तो यहाँ है नहीं, और वी के अपोजिट क्या था आपके, डॉलर, तो यहाँ तो ये स्क्वायर आपका दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड। देख लीजिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, द थ्री डायसिस आर गिवन बिलो, हमें तीन डायसिस दी हुई हैं, विच सिंबल विल अपियर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, की क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आएगा आप हमें ये बताइए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें हम वो डाइस ले लेंगे जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, तो पहली वाली डाइस को सेकेंड वाली डाइस से रिलेट करके देखते हैं कुछ आ रहा है। हाँ जी देखिए यहाँ पे थ्री आपका कॉमन आ गया, तो इसको क्लॉकवाइज ले लीजिए, थ्री तो आपका कॉमन हो गया, तो इसमें जब क्लॉकवाइज लिया तो क्या आया, फोर एंड देन सिक्स। सेकंड वाली में रिलेट करेंगे थ्री, इसके बाद क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या आएगा, फाइव एंड देन वन, ठीक है गाइस। तो आपका फोर के अपोजिट तो आ गया फाइव और सिक्स के अपोजिट आ गया आपका वन, फोर के अपोजिट तो आ गया फाइव और सिक्स के अपोजिट आ गया आपका वन, ठीक है। अब ये बताइए कि थ्री के अपोजिट क्या आएगा, जो थ्री हमें कॉमन दिया हुआ है इसके अपोजिट क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो क्या होगा वो आपका टू, ठीक है गाइस। चलिए अब हमें बताना है कि इसमें से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए सिक्स के अपोजिट क्या आया आपका, सिक्स के अपोजिट आया आपका वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन, वन तो आ नहीं सकता इसमें क्योंकि सेम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेम डाइस में सेम फेसिस में अपोजिट वाले जो होते हैं वो नहीं आते, ठीक है, सिंबल या फिर नंबर, ठीक है। अब फोर के अपोजिट क्या है, फाइव, तो यहाँ आ जाएगा फाइव बार, फाइव भी नहीं आएगा आपका आंसर और वन भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, या तो आएगा आपका आंसर थ्री या तो आएगा आपका आंसर फाइव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसको रिलेट करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, फोर सिक्स और यहाँ पे फोर सिक्स, देखिए ये क्लॉक वाइज जा रहा है, ये जो यहाँ पे क्लॉक वाइज जा रहा है, कौन सी डिजिट यहाँ दी होती है उससे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे क्लॉक वाइज जा रहा है ऐसे फोर सिक्स, और यहाँ पे भी ये क्लॉक वाइज जा रहा है फोर सिक्स एंड देन थ्री, तो यहाँ पे भी क्लॉक वाइज जाएंगे तो फोर सिक्स एंड देन क्या आ जाएगा आपका थ्री, देखिए गाइस, तो आपका आंसर क्या आ गया थ्री, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा थ्री, वन भी नहीं आएगा, फाइव भी नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका थ्री आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिक्स, ये फोर सिक्स दिया हुआ था और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था क्या आएगा, तो फोर सिक्स ये क्लॉकवाइज चला ना ऐसे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चल रहा था तो सिक्स के बाद आ गया थ्री, अगर ये यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा होता और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता तो जो थ्री के अपोजिट था ना वो आता, तो फिर टू आता, लेकिन यहाँ तो क्लॉकवाइज आ गया इसलिए सेम आएगा, तो आपका आंसर क्या आया थ्री। देख लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, विच नंबर इज अपोजिट टू फाइव, कि ये जो डाइस हमें दी हुई है इसमें फाइव के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। ये मैं इसलिए क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए कि थोड़ा डिफरेंट है और ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, इसलिए देखिए बहुत यूनिक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक आपका ब्रैकेट दिया हुआ है, नेक्स्ट वन छोड़ के जो थर्ड वन होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जैसे फाइव है, ये वाला ले लीजिए, तो ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाला होगा उसका, तो फाइव के अपोजिट क्या आ गया आपका सिक्स, फाइव के अपोजिट तो आ गया आपका सिक्स, ठीक है। अब देखेंगे टू को, ये वाला छोड़ के ये वाला होगा इसका, तो टू के अपोजिट क्या आ गया आपके वन, और कौन सा बच गया हमारा फोर, फोर के अपोजिट क्या हो जाएगा फिर थ्री हो जाएगा, फोर के अपोजिट हो गया हमारा थ्री। तो वो पूछ रहा है कि फाइव के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो फाइव के अपोजिट जो हमारा होगा वो होगा सिक्स, तो फाइव के अपोजिट क्या आ गया हमारा सिक्स, ये इसका आंसर है। देख लीजिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन बिलो विच डाइस कैन बी मेड बाय टर्निंग द क्वेश्चन शेप। वो कह रहा है कि कौन सी डाइस जो है वो इसको सॉल्व करने के बाद जो डाइस बनेगी जो सही होगी इन चारों में से, हमें बताना कौन सी डाइस इसमें सही होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि कौन सी डाइस बन सकती है इसमें से, तो बनेगी तो वो ना जिसमें जो इनमें अपोजिट आ रहा हो वो उस वाली डाइस के फेस के अपोजिट जो हो वो एक ही डाइस के फेस में ना आ रहे हो, वही तो करेक्ट होगी हमारी डाइस। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो होगा वो तो इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हैशटैग किसके अपोजिट आ गया आपका परसेंटेज के, और डिवाइड आ गया आपका मल्टीप्लाई के। डिवाइड जो है आपका मल्टीप्लाई के अपोजिट है, और जो आपका सब्ट्रैक्ट है वो किसके अपोजिट है, ऐड के, एडिशन के। ठीक है, माइनस जो है आपका सब्ट्रैक्ट जो है किसके अपोजिट है, एडिशन प्लस के। तो चलिए देखते हैं, जोन सा अपोजिट आ रहा होगा वो तो गलत हो जाएगा, और जिसमें अपोजिट कोई भी नहीं होगा फेस में वही सही होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस हैशटैग, प्लस ले लेते हैं, प्लस का अपोजिट तो माइनस है यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये हमारी रॉन्ग डाइस हो गई। सेकंड चेक करते हैं, हैशटैग से करते हैं, हैशटैग के अपोजिट क्या है, परसेंटेज, ये तो सीधा सामने दिया हुआ है, तो ये भी हमारी डाइस गलत हो गई, रॉन्ग है ये भी। थर्ड वाली चेक करते हैं, डिवाइड के अपोजिट क्या है आपके, डिवाइड के अपोजिट आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो यहाँ नहीं है तो प्लस है। अच्छा, प्लस के अपोजिट माइनस है, माइनस है नहीं, और परसेंटेज के अपोजिट क्या है आपका, हैशटैग। तो कुछ भी इसमें अपोजिट नहीं आ रहा, तीनों जो नंबर या फिर जो सिंबल हैं ये अलग अलग हैं, तो आपकी ये डाइस करेक्ट हो जाएगी गाइस, देख लीजिए। फोर्थ वाली को भी चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका अपोजिट है आपका, डिवाइड का, ये तो सामने दिया हुआ, इसलिए ये भी हमारी डाइस रॉन्ग हो गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, थ्री। देख लीजिए इसको ऐसे करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए मैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे करते हैं। वो कह रहा है विच डाइस आर करेक्ट, कि ये जो ओपन डाइस हमें दी हुई है इसको जब हम पूरा अच्छे से बनाएंगे डाइस को पूरा करके कन्वर्ट करके, तो इसमें से कौन सी डाइस है जो आपकी बनेगी ये हमें बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से करना आप। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, आप रिलेट कर लीजिए कि कैसी डाइस बनेगी ओपन डाइस से। ठीक है, देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ये तीनों ब्लैंक सरफेस है एक साथ आ रहे हैं, स्क्वायर वाला भी पोर्शन इसमें आ गया, लेकिन ये हमारे जो तीन साइड हैं, ये जो तीनों साइड आ रही हैं हमारी बिल्कुल वाइट सरफेस वाली, ये तो बनेगी बनेगी डाइस में, जब डाइस बनेगी ओपन डाइस से करके इसको बनेगा तो ये तो बनेगी। तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रही है, देखिए ये वाली डाइस, तो ये तो हो गई आपकी करेक्ट। ठीक है, लेकिन इसी डाइस में क्या होता है, एक डाइस के आंसर से दूसरा आंसर उसने रिलेट किया होता है एग्जामिनर से, तो हम इसे आगे भी चेक कर लेते हैं कि और कोई बनेगी। चलिए देखते हैं, जब हम इसको ओपन डाइस को पूरा कन्वर्ट करके बनाएंगे तो पहले तो आपका आ जाएगा एडिशन, एंड देन 11 सॉरी माइनस सब्ट्रैक्ट आ जाएगा आपका, एंड देन मल्टीप्लाई, एंड देन डिवाइड। देखिए यहाँ तो पहले ही जैसे इसको डाइस में कन्वर्ट किया तो यहाँ तो मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ गया, पर हमारा तो प्लस से स्टार्ट हो रहा है, ये तो होगा नहीं। फोर्थ वाले को रिलेट कर लीजिए, देखिए ये वाला तो होएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले स्क्वायर आ गया है आपका, और स्क्वायर तो इसमें से तीनों में से अलग है, और ये जो फोर्थ साइड है इसी को मिला के आपकी डाइस बननी है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। सेकंड वन को चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जब इसको हमने करा तो यहाँ पे तो आ गया एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्ट, एंड देन मल्टीप्लाई, एंड देन लास्ट डिवाइड। तो देखिए गाइस ये डाइस भी आपकी करेक्ट होगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत मेन है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें वो आपको पहला आंसर तो जैसे पता चल गया रिलेट करते कि जो ये तीनों साइड ब्लैंक दिख रही है तो आपका होगी ये डाइस तो बनेगी, पर बच्चे क्या करते हैं जल्दी में बस वन पहला तो हमारा सही हो गया तो तीन ऑप्शन देखते ही नहीं और आगे चल जाते हैं, वहीं पे आपका आंसर जो है गलत हो जाता है। इसलिए आप जल्दी जल्दी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसको और चेक कर लीजिए कि कहीं और तो नहीं आंसर दिए होते। 90% इसमें ये चांस होता है कि आपको आंसर देखने को मिलता है कि इसमें दो आंसर बन रहे होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड। देख लीजिए गाइस, तो बच्चों यहाँ पे आपका डाइस का सेशन ख़त्म होता है। मैंने आपको डाइस के बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आपका जो डाइस का सेशन है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। तो आपको जो जो मैंने बताया थे कि जैसे एक तो होता है साइड कॉमन वाली होती है जिसमें एक कॉमन होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें दो साइड कॉमन होती हैं, और
थर्ड क्वेश्चन वो होता है जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होती, उसको कैसे करते हैं। और फोर्थ आपको ऑप्शन दिए थे जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन की, फोर्थ जो क्वेश्चन था ओपन डाइस वाली ट्रिक्स बताई मैंने आपके लिए। बहुत अच्छा कंटेंट लाया हूँ, तो इसलिए जो मैंने आपको डाइस का सेशन पढ़ाया उसकी आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे एग्ज़ाम में आप अपने अच्छे एग्ज़ाम गेन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो मैं सेशन कराने वाला हूँ वो नंबर सीरीज़ का है, तो जो भी नंबर सीरीज़ सीखना चाहता है चंदन क्लासेस सीखे, मेरे साथ जुड़िए और नंबर सीरीज़ सीखिए मेरे साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। आप लाइक तो करते ही नहीं है, सेशन तो देखते हैं लेकिन लाइक भी करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है गाइस। ओके, मिलते हैं नंबर सीरीज़ के सेशन में, बाय।